इस साम्राज्य को अगर आप देखेंगे तो प्रकाशमान काल कहते हैं। किसी को पता है कि क्यों इसको प्रकाशमान काल कहा जाता है, एनलाइटनमेंट पीरियड? नहीं जानते? कुछ लोग तो कहेंगे कि सर गलती से स्वर्ण काल वाला लिख दिए हैं प्रकाशमान काल ना, तो गलती से नहीं लिखा हुआ है भाई, सही से लिखा हुआ है। प्रकाशमान काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल को अध्ययन करने के लिए हमें स्रोतों की उपलब्धता है, स्रोतों की प्रचुर उपलब्धता है, स्रोतों की प्रचुर उपलब्धता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके पहले जो भी इतिहास का सेक्शन आपने पढ़ा उस पे स्रोत ही कम हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपने प्रागैतिहास और आद्य इतिहास पढ़ा, किस आधार पे? साहित्यिक स्रोत पे? नहीं ना, केवल आपने पढ़ा पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, कोई अन्य स्रोत आपको उपलब्ध नहीं है। फिर आपने पढ़ा वैदिक एवं महाजनपद, मुख्यतः साहित्यिक स्रोत के आधार पर। यहां पुरातात्विक स्रोत मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं, यानी आपने इसके पहले जो भी फेज पढ़ा उस फेज में स्रोतों की उपलब्धता उतनी नहीं थी। लेकिन जब आप मौर्य काल को पढ़ते हैं तो मौर्य काल में स्रोतों की प्रचुर उपलब्धता है, और जब उपलब्धता प्रचुर रहती है, हर तरह के स्रोत रहते हैं, तो इतिहास के पुनर्निर्माण में आसानी हो जाती है और एथेंटिसिटी हो जाती है। हम तुलनात्मक रूप से इन साक्ष्यों की प्रकृति को विश्लेषण करके सही स्थिति पर पहुंच सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम, जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि इतिहास को हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल लेवल में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। हमने यहां पे भी देखा प्रागैतिहास और आद्य थे। प्रागैतिहास में तो स्पेशली आपके इकोनॉमिक लाइफ से है, थोड़ा बहुत कल्चरल लाइफ से पूछा। आद्य इतिहास में पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल को देखा। यहां आपके पॉलिटिकल को भी इंक्लूड किया इसमें। तो सिस्टम तो वही है कि हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल डायमेंशंस को देखेंगे, लेकिन यहां पर स्रोतों की उपलब्धता होने के कारण हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों के तुलनात्मक महत्व को समझ सकते हैं। वी मे कंपेयर एंड देन फाइनली रिकंस्ट्रक्ट द मौर्यन एम्पायर, तब हम मौर्य साम्राज्य का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। राइट, एक बात याद रखना, जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एम्पायर या मौर्यन एम्पायर या किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका मतलब यही रहता है कि विद हेल्प ऑफ द वेरियस एविडेंसेस टू डिस्क्लोज द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। उस पर्टिकुलर समय में हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को किस प्रकार से देख पाते हैं, ये होता है रिकंस्ट्रक्शन का मामला। तो आप समझ में आ गई? और यही वजह है कि जब आप यूपीएससी के सवालों को देखेंगे तो एक अच्छा खासा सवाल इन सोर्सेज पे भी पूछा जाता है। तो यूपीएससी का मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीपीएससी ने कसम खा रखा है कि साहब मैं नहीं पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीपीएससी भी पूछता है। हम यूपीएससी बार बार इस बात को कहते हैं कि वो हमारा टॉपिक के लेवल का, एनालिसिस का पीक है, उसके अंदर तो सभी सबॉर्डिनेट में है, सब सबसे टॉप में है, तो एक पढ़ोगे तो सारी चीजें उसी में इंक्लूडेड हो जाएंगी। क्लियर है? तो हम, जाहिर सी बात है
इसलिए इस चीज को हम लोग यहां से हटाते हैं। फिर तो जो पहला टॉपिक क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पहला डायमेंशन, वो ये कि अध्ययन के स्रोत, मौर्य साम्राज्य में अध्ययन के स्रोत। और याद रखना, साहित्यिक साक्ष्यों में प्राथमिक साक्ष्य ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी दो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं प्राथमिक, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीस के इंडिका, वही पूछा जाएगा आपसे। और पुरातात्विक साक्ष्यों में अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे विधिवत, पहले टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे कि इससे सवाल कैसे कैसे आएंगे या किन किन डायमेंशनों में पढ़ना है। दूसरी चीज, अध्ययन के स्रोत के बाद हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त, मौर्य और बिंदुसार की उपलब्धियां। देखो, 550 शब्द में इस टॉपिक की गुंजाइश एकदम कम बनती है, लेकिन 200 वर्ड्स में ऐसे भी सवाल गुंजाइश बनती हैं कि आपको खारवेल तक की उपलब्धियां पूछ दिया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य तो लिख ही लोगे, बिंदुसार की भी उपलब्धियां पूछी जा सकती हैं। इसलिए हमने आपको बताया था, स्ट्रेटजी के वीडियो में भी इस बात को बताया था कि छोटी सी छोटी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार की उपलब्धियों देख लेंगे, उसके बाद अशोक, एवं उसका धम्म, इसको देखेंगे। फिर मौर्य प्रशासन को देखेंगे, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कुछ रिसर्च आ चुका है इस पे, सवाल पूछा जाता है अशोक के धम्म से, हमेशा सवाल पूछे रहते हैं, फ्लुएंट टॉपिक है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का, देखो आर्थिक तो आप देख ही लिए हो, राजनीतिक में चंद्रगुप्त, बिंदुसार यहां देख लिए, अशोक देख लिए, प्रशासन देख लिए। उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य का इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक देखेंगे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष देखेंगे। और फिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इस टॉपिक को अगर इस डायमेंशंस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो फिर इससे बाहर कोई सवाल नहीं होगा। क्लास की जो परिचय, जो शेड्यूल, जो मॉड्यूल है, जो हमने आपको बताया था, पहला लेवल वन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेवल वन और लेवल टू साथ साथ, यानी पहले हम लोग एक एक टॉपिक पे समझ को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, फिर उसको कैसे लिखा जाए उस पर चर्चा करेंगे, और फिर इस सारी चीजों को देखने के बाद अंत में उन प्रश्न उत्तर पर चर्चा की बात करेंगे इस टॉपिक पे, कि कौन कौन से सवाल आए हुए हैं और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। श्योर? तो मॉडल क्लियर हो गई दिमाग में। अब आइए हम लोग एक एक चीज को देखते हैं। पहली बात, अध्ययन का जो फर्स्ट टॉपिक है इसको उठाते हैं, अध्ययन के स्रोत, मौर्य साम्राज्य में के अध्ययन के स्रोत, सोर्सेस टू स्टडी द मौर्यन एम्पायर, अध्ययन के स्रोत। एकदम समझिए, केवल समझ पे डेवलप करिए और फिर देखिए कि सवालों को कैसे लिखना है मौर्य साम्राज्य। और जरूर इस बात को बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो समझते हो इतिहास और जो हमने इतिहास को समझाया उसमें क्या कोई अंतर आपको नजर आया या नहीं आया। एकदम फ्रेंकली नहीं आया तो भी बताइएगा। तो निश्चित रूप से अध्ययन के स्रोत मौर्य साम्राज्य को अगर हम देखें, तो मैंने तो पहले ही इस बात को कहा कि चूंकि स्रोतों की उपलब्धता ज्यादा है हर, और उपलब्धता के साथ साथ वैरायटी ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल, मीनिंग देयर बाय
द लिटरल एविडेंसेज एज वेल एज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज बोथ आर अवेलेबल इन द सफिशियंट अमाउंट टू रिकंस्ट्रक्ट द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के पुनर्निर्माण के लिए हमें हर प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। तो आइए पहले एक एक चीजों को देखते हैं। जैसे अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें, लिटरल एविडेंस की बात करें, समझिए, हमने आपको हमेशा कहा कि वी ऑलवेज प्रेफर द प्राइमरी एविडेंसेस, मीनिंग देयर बाई द एविडेंसेज विच आर कॉन्टेम्प्रेरी। वे साक्ष्य जो कि समकालीन होते हैं वो साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य कहलाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब हम मौर्य साम्राज्य के प्राथमिक साम्राज्य की प्राथमिक साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं तो दो साक्ष्य आपको दिखाई देंगे। फर्स्टली कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य जिसे आप जानते हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चलो नीचे ऐसे लिख दे रहा हूं, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, दिस इज द फर्स्ट बुक। और आप जानते हो प्रिलिम्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको विद रेफरेंस बता दें कि ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसे हम लोग लौकिक पुस्तक कहते हैं, द बुक बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, मीनिंग देयर बाई देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ द रिलीजन। रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलीजन फिलोसफी नहीं, इको सोशियो एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज वाइडली डिस्कस्ड इन द कौटिल्यन अर्थशास्त्र। इसीलिए हम लोग इसे प्रथम लौकिक पुस्तक कहते हैं। खैर, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एंड इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका, इसकी भी अलग कहानी है, मेगास्थनीज के इंडिका, इसके बारे में तो कहानी खूब जानते हो, चाणक्य के, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, मूल नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के वो थे, क्या कहते हैं कि गुरु थे, और ये राजदूत थे। ये प्राथमिक स्रोत हो गए। और अगर हम बात करें, कलर चेंज कर दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेकेंडरी एविडेंस है, और साहित्यिक स्रोत जो द्वितीयक साक्ष्य हैं, इधर आप जो कलर है वो आप जान लीजिए द्वितीयक साक्ष्य है, यानी इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो कि मौर्य साम्राज्य के पुनर्निर्माण में उपयोगी हो सकते हैं। उनको हम द्वितीय प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि वो समकालीन नहीं हैं, फिर भी हम इसलिए स्थान दे देते हैं कि वो मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ ऐसी विशिष्ट सूचनाएं देते हैं जो कि अन्य स्रोतों में नहीं मिलती। बात क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे दीप वंश है, महावंश बौद्ध साहित्य में है, ये सब महावंश है ना, महावंश टीका, चलिए महावंश टीका हो गया, या स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी, इनके प्लूटार्क, इनके विवरण हैं। कुछ पुराणों को भी लिख सकते हैं, मत्स्य पुराण जैसे पौराणिक पुराण है। जाहिर सी बात है द्वितीयक साक्ष्य का हम लोग लिमिटेड एडिशन में प्रयोग करेंगे। और एक चीज याद रख लीजिए, खास करके ऑप्शनल में जो लोग हैं वो समझिए, जो आप लोग पढ़ते हैं वो स्पेशली क्या पढ़ते हैं, साहित्यिक स्रोतों पे ध्यान देते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। इसलिए मेंस राइटिंग में यथासंभव अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का यूज करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा अंकदायी होगा वो। क्लियर है? तो फिलहाल ये साहित्यिक स्रोत के रूप में आपने ये देखा। आर्थिक स्रोत के रूप में अगर हम चर्चा करें, पुरातात्विक स्रोत के रूप में बात करें तो कई तरह से हैं पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, आपकी पहली जो नजर है वो पड़ती है इस पे, किस पे, अशोक के अभिलेख पे।
फ्लुएंटली पढ़ते हैं आप लोग। चलिए हमने भी आपकी ही बात बात कह दिया, द रॉक एडिक्ट्स ऑफ लॉर्ड अशोक। लेकिन वास्तव में अशोक के पहले भी लेख हैं और उन लेखों को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और वो लेख हैं, बता सकते हैं कौन से हैं? वो लेख हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ताम्र लेख हैं, मौर्य के ताम्र लेख हैं, कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है दो जगह से फाउंड है, सोहगौरा का स्थान है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के, और एक है महास्थान से मिलेगा है, महास्थान से बांग्लादेश का स्थान है। इन दो स्थानों से चंद्रगुप्त मौर्य के कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ताम्र लेख मिले हैं, यह भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें, सम क्वाइंस आर फाउंड, सिक्के हैं चांदी के तांबे के, पण जिसे आपने कहा कारशार्पण धारण, वो हैं, क्लियर है। और उसके बाद एक और जिसकी सामान्यतः लोगों ने चर्चा नहीं किए हैं, वो हैं आपके रिंग वेल्स को हिंदी क्या लिखोगे भाई? छल्लेदार कुएं, चलो लिख दो छल्लेदार कुएं लिख दो। इतना हिंदी भी कठिन नहीं लिख देना चाहिए कि समझ में ही नहीं आए, इसलिए बेहतर ये है रिंग वेल्स लिख लो। इतने प्रकार के स्रोत आपको मिले हुए हैं। अब आप देखो जो मेंस विजन है, जो आपसे सवाल मेंस पे पूछा जाएगा इस टॉपिक पे, किन किन बिंदुओं पे पूछा जाएगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे डायरेक्टली पूछा जाएगा, मेगस्थनीस के इंडिका पे, इंडिया नहीं भैया इंडिका है, इंडिका पे पूछा जाएगा, अशोक के अभिलेख पे पूछा जाएगा। ये डायरेक्ट मेंस के सवाल पूछे जाएंगे इससे। और बाकी जो हैं, जो समझ है, इसको हम लोग यूज करेंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति क्या थी, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसमें अगर कहीं इन सोर्सेस का यूज होगा तो हम यूज करेंगे। यानी स्ट्रेटजी या पहला जो मूल मंत्र है वो ये है कि यूज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वेयर इट इज पॉसिबल, वेयर इट इज फाउंड। व्हाई? बिकॉज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज आर द साइंटिफिक एविडेंसेज, साइंटिफिक पार्ट होते हैं, और जाहिर सी बात है ये एरा है विज्ञान का। तो आप अगर आप वैज्ञानिक रूप से लिखते हैं, वैज्ञानिक चीजों से अप्रूव्ड तथ्यों को अगर लिखते हैं, तो मुझे लगता है दैट विल बी मोर इफेक्टिव, है ना। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को, इसके जो स्रोत हैं अध्ययन के, उनको आप यहां से समझ गए होंगे। ऐसा कभी नहीं सवाल पूछा जाएगा कि मौर्य काल के अध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डालिए, इतना डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन यूपी पीसीएस के लिए इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो खैर हम उसकी चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, फिर थोड़ी कैसे कैसे चीजों को रखना है वो हम बताएंगे। पहले अभी हम लोग टॉपिक से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आइए हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र जब भी इस सवाल पे पूछा जाएगा प्रश्न, तो एक तो यही पूछा जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालें, एक सिंपल सा सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र न केवल मौर्य साम्राज्य के लिए बल्कि आज भी कई मामलों में एक क्या कहते हैं कि प्रभावी सिद्धांत का वो है, निर्देश करता है, चर्चा करें। वेरी गुड क्वेश्चंस, एलोबरेशन वाले पार्ट जो होते हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएससी में ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, लेकिन वो सवाल तभी आप कर लेंगे जब पूरे स्रोतों को, प्रकृति को समझ लेंगे। पूरा मौर्यन, कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे यूपीएससी में कि जब तक आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपको एक सवाल बताता हूं, पूछ लेगा कि मौर्य साम्राज्य के
पुनर्निर्माण में, यानी पूरा इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल सोशल पूरा पूछ लिया। जब तक आप पूरा मौर्य एम्पायर नहीं जानोगे ऐसे सवाल का नहीं हिसाब कर पाओगे कि मौर्य साम्राज्य के पुनर्निर्माण में अर्थशास्त्र, मेगास्थनीस के इंडिका और अशोक के अभिलेख, इन तीनों के तुलनात्मक महत्व पर प्रकाश डालिए। राइट, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा अगर ऐसे सवालों को आप लिखोगे, समझोगे। बहुत आसान होते हैं, बसरते समझ आप जानते रहिए, है ना। जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक नहीं लिख पाओगे। अब देखो, आप जब लिखते हो ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो शुरू हो जाते हो कि साहब इतने श्लोक हैं इसमें, इतने अभिकरण हैं, है ना, 15 अभिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 6000 सूक्त हैं। दिमाग का पहले ही आपने गोला बना दिया, बांध दिया कि साहब उसी में पड़े रहो। और कुछ तो कलाकार ऐसे हैं कि भाई साहब पहले में ये मिला, दूसरे में ये मिला, तीसरे में ये मिला, चौथे में ये मिला, छाप देंगे। नो नीड टू राइट इन सच ए वे। पहली बात तो तथ्य पूछा ही नहीं जाएगा। दूसरी बात कि ये मान लिया गया मेंस तक आते आते कि आपको तथ्यों की प्रकृति पता हो गई, क्लियर है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का क्या योगदान है या अर्थशास्त्र का महत्व क्यों है, भाई एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थशास्त्र, ये ऑस्पेक्ट है आपका, हिस्टोरिकल ऑस्पेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र। तो भाई अर्थशास्त्र का जो ऐतिहासिक महत्व है किस रूप में है, ऐतिहासिक महत्व लिखना है ना। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हिस्ट्री इज द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल सोशल वैल्यूज, तब तक आप ऐतिहासिक महत्व कैसे लिखेंगे। और जब आप ये जानते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल और सोशल वैल्यूज ही हिस्ट्री है, तब आप ये देखते हैं कि सॉरी कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और समाज के संदर्भ में किस प्रकार के मौर्य साम्राज्य के बारे में सूचना देता है, तब आप बेहतर लिख सकते हैं। याद रखना, किसी भी सवाल को अधिकतम 300 शब्द, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, अदरवाइज 200 to 250, एंड बी वेरी कैलकुलेटिव। ऐसा नहीं है कि आप अर्थशास्त्र आया सर झोंक के लिख दिया 600 शब्द। भाई मेरे, अगर ऐसा लिख दोगे, पहली बात तो जगह नहीं रहती है, या जगह मान लो दे भी दिया कमीशन में कि कोई छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, छोटा छोटा आपने लिख दिया तो टाइम किल कर दिया, 10 नंबर के सवाल पे 12 नंबर तो मिलेगा नहीं। इसलिए वर्ड लिमिट में कैलकुलेटिव होने का मतलब है। यानी अब अगर आपसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछता है, तो आपको ये बताने की जरूरत है कि अर्थशास्त्र किस स्तर तक, किस लिमिट तक आपके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो पहली लाइन अगर लिखना होगा तो यही लिखा जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, यहीं से कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए, यहीं से लिखना भी आप समझेंगे तो हम जरूर इस बात को लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पुनर्निर्माण के लिए अर्थशास्त्र प्राथमिक स्रोत है, यह इसका महत्व है। राइट, दूसरा क्या है आप लिखेंगे, इतना तथ्य तो आप भी जानना चाहते हैं और लिखना भी चाहिए। जिसकी रचना चंद्रगुप्त के गुरु या आचार्य विष्णुगुप्त ने की,
आप ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय तक प्रधानमंत्री पद पे भी था, तो एक एथेंटिसिटी हो जाएगी कि हाँ ये प्राथमिक साक्ष्य है। क्लियर है? आगे चर्चा करें। आपको बताऊं, जब आप अर्थशास्त्र की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए यह एक सैद्धांतिक पुस्तक है। यह ऐसा कतई नहीं लिखा हुआ है कि जो चारण शैली है या फिर किसी शासन की दरबारी शैली है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, ये था, ये था, उपलब्धियां नहीं लिखी हुई हैं। वो सीधे सैद्धांतिक स्तर पर लिखा हुआ है कि ऐसा राजा को ऐसा होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये इसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं कि तृतीय शैली में लिखा हुआ है, सैद्धांतिक पुस्तक लिखा हुआ है। तो आप ये चर्चा कर सकते हैं कि यह एक सैद्धांतिक पुस्तक है, और जाहिर सी बात है जब सैद्धांतिक पुस्तक है, एक बहुत अच्छी बात अंडरलाइन कर लो समझने के लिए, अभी आप लोग शुरुआती दौर में हैं तो शायद ना समझ पा रहे हों, यह एक सैद्धांतिक पुस्तक है एवं मौर्य साम्राज्य के ये लाइन हमने आपको लिखाया इसलिए या लिख दिया कि यह एक सैद्धांतिक पुस्तक है एवं मौर्य साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल। क्योंकि ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन बैच हो, हर जगह पे बच्चे ये कहते हैं कि सर सब समझ में आ रहा है, बस आंसर कैसे लिखूं यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको लिखना है, आपके पास इतना शब्दकोश होना चाहिए, वैकुब होना चाहिए, किताब ही नहीं कि मालूम हुआ कि साहब अर्थशास्त्र पे चार किताब लिखा, कुछ उधर की चोरी किया, इधर की चोरी किया, इधर की चोरी किया, पेस्ट कर दिया। देखो, अच्छे शब्दों की, अच्छी चीजों की शुरुआत करो, लेकिन अपने लिखो, विश्वास करो कि आपके पास रटा हुआ एक आध लाइन जाएगा कि पूरी किताब चली जाएगी, नहीं जाएगी, आपकी समझ जाएगी। इसी बात को हम कह रहे हैं बार बार कि आपको समझ को डेवलप करना होगा, यानी किसी भी पुस्तक की या किसी भी स्रोत के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा करना है तो हमें उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है उसके संदर्भ में कितना ये कंट्रीब्यूट करती है, इस आधार पर आपको लिखना है। क्लियर है? फिर भी हमने ये चार लाइनें सिर्फ इसलिए बताई कि 25 शब्द, 30 शब्द अगर आप देखोगे, लगभग 30-35 वर्ड होगा, ये 30-35 वर्ड आप लिख दिए, इसके बाद चीजों को हम आप बता रहे हैं, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो अपने शब्दों का मतलब नहीं कि ठेठ हरियाणवी में लिख देना है, नहीं, शुद्ध हिंदी, मानक हिंदी, जो आम बोलचाल की हिंदी है उसी को लिखना है, किताबी भाषा में एकदम प्रयुक्त नहीं होना है। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक पहलुओं पर कैसे प्रकाश डालती है। तो आइए कुछ फैक्ट, कुछ बातें भी जानते हैं और लिखते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक सेक्टर में, आपको बताऊं, अर्थशास्त्र आप तो इतना जानते होगे ना कि अर्थशास्त्र किस विषय पर रचना है, स्पेशली राजनीति शास्त्र पर है। तो आखिर में ऐसी क्या बात है कि इसका नाम राजनीति शास्त्र नहीं लिख दिया गया? स्वयं चाणक्य, स्वयं जो विष्णुगुप्त था, वो क्या था? राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान था, तो इसका नाम राजनीति शास्त्र भी लिखा जा सकता था, नहीं ना, यह अर्थशास्त्र लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ऐसा था। और आपको बता दूं कि राजनीति शास्त्र पर लिखी गई यह पहली पुस्तक है, और इस तरह से पुस्तक लिखी ही नहीं गई किसी अन्य युग में। अन्य जो पुस्तक लिखी भी गई, जैसे कामंदक का नीति शास्त्र था, गुप्त युग की रचना है, तो वो एक तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रिकॉपी दिखाई देती है। यानी भारत में एंशिएंट एज में राजनीतिक सिद्धांतों और राजनीतिक स्थिति कैसी हो, इस पे लिखी गई ये पहली रचना है, इसलिए इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
यानी ये न केवल मौर्य साम्राज्य में बल्कि आने वाले हर युग के लिए हिंदू माइथोलॉजी की ये एक प्रमाणिक पुस्तक आप मान सकते हैं. दैट्स वाई इट हैज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. श्योर, आइए देखते हैं आर्थिक संदर्भ. आपको बताऊं, जब आप देखोगे ना राज्य में, तो राज्य दो पिलर पे टिका हुआ है. पहला जो पिलर है उसका है, वो है टैक्सेशन या इकोनॉमिक स्टेटस. राज्य इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, इस पे डिपेंड करेगा राज्य की मजबूती. आज भी देख लो, गलत थोड़ी है. अगर जो महाशक्तियां हैं, सुपर पावर हैं, जो G5 हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई दे आर डिसाइडिंग? बिकॉज दे आर द इकोनॉमिक पावर आल्सो. दैट्स व्हाई स्टेट्स फर्स्ट पिलर इज द इकोनॉमी. राज्य का पहला पिलर अर्थव्यवस्था है और दूसरा क्या है? पब्लिक सपोर्ट. अंटिल द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पब्लिक, देन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट विल बी नॉट फाउंड. अगर राज्य की जनता राज्य की नीतियों से खुश नहीं है, तो निश्चित रूप से वो राज्य अस्थिर होगा और उस राज्य का क्या होगा? पतन हो जाएगा किसी भी समय. और डेमोक्रेसी में होता है तो दैट इज थ्रू द इलेक्शन, अदरवाइज रिवोल्ट हो जाता है. और मजेदार बात देखो, बोथ आर रेसिप्रोकल. असली मजा तो इसमें है. अगर आप चर्चा करोगे तो दीज टू पिलर्स या दीज टू फैक्टर्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. यानी अब अगर आप टैक्सेशन बढ़ाते हो तो जनता खुश नहीं होगी, और जनता खुश होगी तो टैक्स नहीं मिलेगा. लेकिन राज्य की यही तो भूमिका है कि वो इन दोनों पिलर्स में संतुलन स्थापित करे, और जो राज्य दोनों पिलर में संतुलन स्थापित कर लेगा वो सफल होगा, वही सक्सेस होगा. दिस इज द मेन थीम ऑफ द अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र का ये बेसिक थीम है, और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से इस समय में आपको जो कर संरचना है, टैक्सेस स्ट्रक्चर जो है, वो आपको मिलेगा. आपको बताऊं, यहां पे एकदम तथ्य लिखने की जरूरत नहीं है कि आप चलिए मौर्यन एम्पायर का सारा सिस्टम रख लीजिए. क्वेश्चन ये नहीं है कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र क्यों उपयोगी है. तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्र कर सिद्धांत के रूप लिए उपयोगी है, टैक्सेशन के लिए उपयोगी है. जितने भी कर हैं, मौर्यन काल की जो कर व्यवस्था है, उस कर व्यवस्था का जो आधार है आपका अर्थशास्त्र है. इसमें अगर कुछ एकाद याद भी आ जाते हैं, भाग है, भोग है, उद्रंग है, विष्टि है, एक दो की चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये जरूर करेंगे, वो एक फैक्चुअल सपोर्ट की बात है. बेसिकली हम ये बात कहेंगे कि ये कर संरचना के लिए एक प्रमुख है, और मेन बात ये है कि अप्रत्यक्ष करों पर जोर देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष करों पर बल देती है. कर भी ले लीजिए और पता भी ना चले. श्योर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जाहिर सी बात है आप इतनी बेसिक नॉलेज तो रखते ही होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. अब इकोनॉमी तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मोटी मोटा ये जानिए कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि आपको जो जिस पे लगाया जाए वही पे करे, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि कहीं उसकी शिफ्टिंग हो जाए, कि लगे कहीं और वसूल कोई भरे और कोई करे. तो अप्रत्यक्ष करों की बात करेगा. इसके अतिरिक्त आप देखोगे कृषि भूमि का वर्गीकरण, आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा. कृषि भूमि का वर्गीकरण वर्गीकरण मिलेगा. व्यापारिक मार्गों की चर्चा मिलेगी, ट्रेड रूट्स की. और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारिक मार्गों की चर्चा के साथ साथ तुलनात्मक महत्व की भी बात होगी. विच ट्रेड रूट इज मोर प्रॉफिटेबल एंड व्हाई?
अगर आपको पता करना है तो आपको जाना होगा अर्थशास्त्र में। साथ ही साथ आपको बताऊं, पूरी भूमि पर, पूरे राज्य के संसाधन पर, ओवर द रिसोर्सेस एंड द लैंड, स्टेट की भूमि, स्टेट का नियंत्रण होगा। दैट विल बी इन द डीप कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स। श्योर? पर्याप्त? क्या 50 शब्द नहीं लिख पाओगे? इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? पहले बात तो ये बताओ। कुल 200 का ही मतालबा है कि हाउ टू राइट 200 वर्ड्स ओवर द अर्थशास्त्र। पहली लाइन सोचोगे कि सर कौटिल्य की बात तो ध्यान ही नहीं आ रहा है, लेकिन हमने आपको क्लासिफाई कर दिया इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल। और इकोनॉमी पे आप 50 लिख दोगे कि नहीं? हमारे ख्याल से आप सामने होते तो जरूर लिखते कि हाँ जरूर लिख देंगे। कमेंट में आप बताइएगा कि यस, वेदर यू आर कैपेबल टू राइट 50 वर्ड्स और नॉट विद दीज फैक्ट्स। हम लिखना भी बताएंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस, इस पे हम लिख सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थ, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक संदर्भ में, आर्थिक कारकों के संदर्भ में इकोनॉमिक रूप से कैसे ये आपको मिलता है। तो इजिली आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, राइट? आओ देखते हैं पॉलिटिकल को। पॉलिटिकल की बात करें, जब हम लोग पढ़ लेंगे मौर्यन एम्पायर तो और अच्छा से इस टॉपिक को लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जानिए इसके नॉलेज को हम उसमें यूज कर लेंगे। यही तो स्ट्रेटजी होती है अलग अलग आपको समझने और समझाने की। जाहिर सी बात है राजनीति शास्त्र पर यह प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुस्तक है, यह भी हमने चर्चा किया। आप देखें, आप देखोगे साप्तांग सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का इन्होंने साप्तांग सिद्धांत दिया, बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको बताऊं, यही थोड़ा सा कैलकुलेटिव, यही है विषय का नेचर। जानिए कितना आपको जानना है और कैसे जानना, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति साप्तांग लिखता है और वो राजा के साथ, वो राज्य के सातों अंगों को नहीं जानता है, तो बेहतर है वो ना लिखे। एक ही लाइन लिख दीजिए कि राज्य की संरचना के संदर्भ में उन्होंने साप्तांग सिद्धांत दिया, क्योंकि इसके बाद अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा अगर एग्जैक्ट नहीं जानोगे, क्योंकि इसका एक क्रम है। और ये जो साप्तांग बताया इन्होंने, जो सात होते हैं, वो उन्होंने बताया राजा नंबर एक, नंबर दो आमात्य, नंबर तीन जनपद, नंबर चार दुर्ग, नंबर पांच कोश, नंबर छः सेना, नंबर सात मित्र। तो मेरे डिफेंस वाले बहादुर शेरों, खास करके डिफेंस वाले शेरों को, बच्चों को याद कर रहा हूं कि आपका पढ़ा हुआ गलत तो नहीं जा रहा है? आपने डिफेंस स्टडीज में वहां लिखा होगा, है ना? तो डोंट क्राई फॉर दैट। आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो ये ना पूछना कि सत्यम सर ने कहा इसलिए आ गए। नहीं, आप आओ, यहां आपका स्वागत है, लेकिन डिसीजन इज टू बी टेकन बाय यू रिगार्डिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये सारे आपने पढ़ा होगा, अब याद रखते हो। अब देखो यहां इसमें कॉन्सेप्ट को बदल दो, समझो। आपने ये सोचा कि सर ने क्यों ये कहा कि क्रम जरूरी है? बेटा क्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आप समझोगे, वो आगे कहता है कि इसमें राजा की जो स्थिति है वो कूटस्थनीय होती है। उस समय की शब्दावली है, थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा। कूटस्थनीय का मतलब हुआ केंद्र में होती है। और उसने डिसाइड किया कैसे? उसने कहा कि प्रत्येक अगले चरण पे आने वाला जो खतरा है वो पूर्ववर्ती चरण के खतरे पर, अंग के आने वाले खतरे से 10 गुने होता है। फिर से समझिए, कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत की चर्चा करते हुए ये बताया कि जिस तरह से ये सात अंग होते हैं राज्य के, उन्होंने ये भी बताया कि हर बाद वाले अंग पे होने वाला खतरा, हर बाद पर होने वाला जो खतरा है, है ना, ये खतरा पूर्ववर्ती का 1/10 गुना होता है। यानी
अगर इतनी गणित नहीं आती है तो सामान्य गणित में चर्चा करो। यानी मित्र पर आने वाला खतरा सबसे कम, सेना पर आने वाला खतरा 10 गुना मित्र की तुलना में, मित्र पर आने वाले खतरे से 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण खतरा होता है सेना पर। खतरा आ गई सेना से 10 गुना मित्र कोष पे, कोष से 10 गुना दुर्ग पर, दुर्ग से 10 गुना जनपद पे, जनपद से 10 गुना आमात्य पे, और सबसे बड़ा राजा। यानी हर स्थिति में राजा को क्या करना चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए। डैम श्योर क्लियर? अब हमको नहीं लगता कि आप भूलेंगे, इसी पे साप्तांग सिद्धांत को आप कर सकते हैं। पहले अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है समझो। इसके पहले जो ऐतरीय ब्राह्मण था, ऐतरीय ब्राह्मण में कहा जाता था राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, कि स्टेट इज क्या कहते हैं इंड्यूस, जो स्टेट का जो जन्म हुआ वो जन्म दैवी उत्पत्ति से हुआ, डिवाइनल कॉन्सेप्ट लिखा गया। और फिर वो हां ये कहा गया कि सिंस स्टेट इज ओरिजिनेटेड थ्रू द डिवाइनल, दैट्स वाई ऑल द पावर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द मोनार्की। यहां ऐसा नहीं था, यहां साप्तांग सिद्धांत था, और बताया गया कि साप्तांग सिद्धांत में राजा क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए। इट वॉज स्टेटेड हियर। श्योर? अब मजेदार बात बताता हूं, एक और बात लिख दूं तब आपको समझ में आएगा। ये साप्तांग लिख दिया, और आगे हमने ये भी बताया कि के सेकंड पॉइंट इसी में लिखूंगा कि कौटिल्य ने राज्य की समस्त शक्ति राजा से में केंद्रित माना है, राइट? तो अगर सारी शक्तियां सभी एक और मजेदार लाइन है, इसको सुन लीजिए, लिखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसी भी ऐसे प्रशासकीय अभिकरण की रचना नहीं है, चर्चा नहीं है, जो कि राजा की शक्तियों पर किसी भी प्रकार का निरंकुश अंकुश लगाए। तो ऐसी स्थिति में क्या कौटिल्य का शासक निरंकुश हो जाएगा? नहीं। याद रखिएगा, इस प्रोविजन के बाद भी मौर्य शासक कभी भी, या अर्थशास्त्र का जो राजा है वो कभी भी निरंकुश नहीं होगा। इसलिए नहीं निरंकुश होगा क्योंकि यह भी कहा गया कि राजा को प्रजा के हित के लिए कार्य करना होगा। कौटिल्य साफ साफ लिखता है इस बात को कि जिस राजा के दर्शन प्रजा के लिए मुश्किल हो जाते हैं, दूभर हो जाते हैं, उसका अंत जो है या उसका जो विनाश है वो अवश्यंभावी होता है। आगे उसने कहा कि लोकहित हित वह नहीं है जिससे राजा का हित हो, हित वह है जिससे प्रजा का हित हो। यानी इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी लोक हित की बात करता है कौटिल्य। इसलिए हम मौर्यकालीन शासक को कभी भी निरंकुश नहीं कह सकते। श्योर? तो आप ये कह सकते हैं, साप्तांग सिद्धांत की चर्चा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो दूसरे पॉइंट को अगर हम ऐड करें तो आप ये कह सकते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन पर चर्चा मिलती है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिखना है, 18 तीर्थ 27 अध्यक्षों की बात कर दी आपने, बहुत है इतना। मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, गुप्तचर की बात चाहो तो अलग से कर लिख सकते हो, इसी में लिख सकते हो विशेष, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बात जरूरी है, आज के डेट में भी बहुत आवश्यक है। तो गुप्तचर प्रणाली पे विस्तृत परिचर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त मंडल सिद्धांत जरूर जानिए। जो मंडल सिद्धांत है विदेश नीति है, और आपको बताऊं कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हैं।
आज भी उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहृत किया जाता है, इसीलिए तो पूछा जाता है। जैसे आपको बता दूं, कालजयी पंक्तियां जिसको आप कहते हैं किसी चिंतक के, कि शत्रु का शत्रु स्वाभाविक मित्र होता है ना, पड़ोसी राष्ट्र प्रायः शत्रु होते हैं, अरिराज्य होते हैं। तो निश्चित रूप से हूबहू तो नहीं संभव है किसी भी चीज में, लेकिन आप कह सकते हैं कि विदेश नीति के संदर्भ में भी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है कि एक प्रमाणिक क्या कह सकते हैं कि एक दिशा निर्देशक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो आप देखिए, राजनीति में साप्तांग कह लिए, प्रशासन की बात कह लिए, मंडल की बात कह लिए, एनएफ है। आपको नहीं लगता कि इस पर आप 60 वर्ड्स लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हो। आप इसी को ओपन करोगे तो 40-50 हो जाएगा, 100 वर्ड भी लिख सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, फॉर द सक्सेस डिसिप्लिन इज मस्ट, डिसिप्लिन वे में लिखना है। और डिसिप्लिन ये है, गणेश जी नहीं बनाइए, मालूम हो कि पूरे सिस्टम में आपको लिखना है 200 शब्द। ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना भी ना बढ़ाएं कि वो केवल तोंदी तोंद दिखे, केवल ये देखे कि राजनीति व्यवस्था ही लिख दिया गया, आर्थिक सामाजिक लिखा ही नहीं गया। श्योर है, एक बैलेंस लीजिए। ठीक है, आपने आर्थिक को 50 लिखा, इसको 75 लिख दीजिए, सोसाइटी वाले को थोड़ा सा कम कर दीजिए 25-30। जब इस तरह से एक प्लान लेकर के चलोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। श्योर, तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहा। अब आइए हम लोग सांस्कृतिक और सामाजिक पॉइंट को देख लेते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक, कुछ मामलों में कौटिल्य को जो सांस्कृतिक और सामाजिक दिशा निर्देश हैं वो बेहद समसामयिक परिवेश में बहुत ही सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्कालीन परिवेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हो कि उस समय सन्यास की प्रक्रिया बहुत चल रही थी, खास करके बौद्धों और जैनों में। हमारा जो राष्ट्र रहा है शुरू से ही सर्वधर्म संभाव वाला रहा है। आपने देखा कि अगर कोई शासक व्यक्तिगत स्तर पर किसी और धर्म को भी फॉलोअप करता है तो भी अपनी जनता को पूरी छूट दिए रहता है। ये हमारा नेशन रहा है। चंद्रगुप्त पहले ब्राह्मण धर्म का था, उसके बाद जैन धर्म का हुआ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कौटिल्य ने इस समस्या, सामाजिक समस्या को ध्यान में रखा कि मालूम हुआ कि आपने 25 साल में 20 साल में शादी किया, 25-26 साल तक 2-3 बच्चे हो गए, उसके बाद आपका मन किया संन्यास चले गए, तो उन बच्चों और बीवी बच्चों का क्या होगा। इस समस्या के लिए कौटिल्य ने क्या किया कि एक बेहतरीन एक निर्देश दिया। जरा उस निर्देश को समझिए क्या था। सोशल और कल्चरल स्टेबिलिटी के लिए कि बिना परिवार के भरण पोषण किए आपको क्या होगा, अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप संन्यास धारण करें। क्लियर है? तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एक सोशल स्टेबिलिटी की बात किया, और जाहिर सी बात है तार्किक बात थी, इसे माना गया। श्योर है? इसी तरह से अगर आप देखें कि जो गंभीर रोगी हैं, सीवियर पेशेंट हैं, वैद्यों से कहा गया कि राज्य को सूचना दें। कहेंगे सर इसका क्या होगा? आप लोगों को पता हो या ना हो, आज के लेवल पे भी जितनी संक्रामक बीमारियां होती हैं, अब कोई ना करे तो वो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, लेकिन जितने भी हमारे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जो डिजीजेज हैं उनके उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम होता है, जैसे टीबी है, या अभी जो महामारियां आ जाती हैं डेंगू है, इंसेफ्लाइटिस है, तो वो क्या कहती है कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी वो कहती है सरकार कि अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो तुरंत आप CMO को दीजिए, वीकली दीजिए, डे वाइज दीजिए, जैसे पता चल सके, पॉलिसी बनाई जा सके, है ना,
और आपको बताऊं इस पॉलिसी मेकिंग का क्या है, एकदम अपडेट लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आत्मसात करने की जरूरत है कि इस बार जो 2019-20 का जो सेशन चल रहा है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस का जो आंकड़ा था उस पर सरकार ने बहुत काम किया और इम्पैक्ट किया, प्रयास किया, एम्स बनाया गया गोरखपुर में और बहुत सारी चीज़ें प्रयास किया गया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पिछले वर्षों की तुलना में जनसंख्या तो बढ़ा ही होगा ना, तो जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या कम हुई है। तो ये होता है पॉलिसी मेकिंग का कार्य होता है, डेमोग्राफिक आंकड़े भी इसीलिए लिए जाते हैं। श्योर, तो कहने का मतलब हमारे ये है कि जो आज की कंटेम्प्रेरी व्यवस्था है, सोचिए उस जमाने में थी कि कहा गया कि संक्रामक और गंभीर रूप से बीमार लोगों को आप क्या करिए कि तुरंत राज्य को सूचना दीजिए, जैसे राज्य उस पर पॉलिसी बना सके। तो ये निश्चित रूप से हाइपर सेंसिटिव और बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखो, जैसे दासों की स्थिति, दासों के लिए इसने कुछ मुक्ति संबंधी प्रावधान बताए स्लेव सिस्टम में, और सबसे बड़ी बात आप देखोगे स्त्रियों के उत्तराधिकार के संदर्भ में, ये पॉइंट आउट करने लायक है, स्त्रियों के उत्तराधिकार के संदर्भ में जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने कुछ प्रावधान किए। इसके पहले जब आप वेदास को देखते हैं, वेदों को देखते हैं, तो वेदों में उत्तराधिकार में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पति के संपत्ति में स्त्री का भी एक हिस्सा होना चाहिए, भले ही वो कम हो लेकिन जरूर होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण के थे, श्योर है। और इन्हीं सारी चीजों के लिए अब आप कैसे समझोगे, कंक्लूड करो, अब आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए, 50 से 60 शब्द यहां हो गया, 100 शब्द के आसपास वहां हो गया, 50 शब्द हो गया आपका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, 30-40 शब्द हमने आपको इंट्रो कर दिया था। अब आप बताइए क्या आप लिख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, है ना, क्या आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे? कि अब और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के महत्व को आप लिख सकते हैं कि यह किस तरह से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। श्योर, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सर अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, एक तरह से मौर्य साम्राज्य की पुनर्संरचना के लिए आप ये कह सकते हैं कि यह एक प्रामाणिक पुस्तक है। श्योर है। अब आप कोई कहे कि सर आलोचनात्मक बातें करिए, कमियों की बात बताइए, लिमिटेशन की बात, हर एक स्रोत, कोई भी स्रोत पूर्णतया पूरा थोड़ी होता है ना, तो उसमें कुछ सीमाएं जरूर है, जैसे अन्य शैली में लिखा जाना, शासकों के नाम की बात नहीं करना, है ना, तो निश्चित रूप से ये सब छोटी मोटी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। आप ये कह सकते हैं कि इन सीमाओं के बावजूद भी अर्थशास्त्र, जैसे बाद में, जैसे भाषा विज्ञान, एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपको बता दूं कि जैसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से आप देखिए, जो भाषा विज्ञानी होते हैं वो बताते हैं कि कई बार पुस्तकों में क्या होता है, बाद में चीजें जोड़ दी जाती हैं, अर्थशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब चीजें बाद में जोड़ दी गई, तो कैसे आप मान सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के लिए ये उचित हो सकता है? तो ये सारी सीमाएं एक स्वाभाविक नेचुरल सी सीमाएं हैं, इन सीमाओं के बावजूद भी अर्थशास्त्र का जो वो है, क्या कहते हैं कि महत्व है, मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीय महत्व है, ये आप मान सकते हैं। श्योर, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम डायमेंशन क्लियर होगा। ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक पे विस्तृत चर्चा करेंगे, और ये आपका L1 और L2 कंबाइंड है कि हम दो लेवल पे की बात कि कैसे समझेंगे। अगर आप इसी लेक्चर के आधार पर ईमानदारी से नोट्स बनाइए, और हम लोग आगे सेक्शन में देखेंगे कि आप लोग लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन की भी बात करेंगे, है ना। तो ये बातें आप क्लियर कर लिए। आइए दूसरा जो पार्ट है इस पे, साहित्यिक स्रोत में हमने आपको बताया वो ये कि मेगास्थनीस के इंडिका, मेगास्थनीस के इंडिका ये भी एक प्रामाणिक पुस्तक है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा झाम है। मेगास्थनीस के इंडिका, झाम कहने का मतलब यह है कि कुछ थोड़ा सा, थोड़ी समस्या इसके साथ है,
तो पहले तो आप जानते रहिए मेगास्थनीज के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो तो आपको पता ही होना चाहिए। मैं बताता हूं अगर नहीं पता है तो, कि मेगास्थनीज तक्षशिला का था और राजदूत के रूप में, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में यूनानी था, पराजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। हम लोग चर्चा करेंगे जब चंद्रगुप्त की उपलब्धियों की बात करेंगे। वैवाहिक संबंध के साथ साथ ये सेल्यूकस के दूत के रूप में मौर्य साम्राज्य में आया हुआ था। श्योर? तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि सर इट वॉज सो इंपॉर्टेंट इवेंट, एक्चुअली इट वॉज द फर्स्ट इवेंट व्हेन द एम्बेसडर ऑफ एनी अदर स्टेट केम इन इंडिया एंड रोट समथिंग अबाउट द कंटेम्पररी टाइम। पहली बार था दूतों के आगमन की प्रक्रिया, एम्बेसी की जो प्रक्रिया आप कहते हैं, यू कैन कोरिलेट विद दिस फैक्ट। यही तो इलोबरेशन होता है। तो पहली बार ऐसा था, दैट वॉज कॉन्टिन्यूड फर्दर ऑल्सो, वो बाद में भी होता रहा। तो ये पहला ऐसा राजदूत था। आपको बताऊं, अब राजदूत अगर रहेगा तो क्या होगा कि वो मौर्य काल के समय को या मौर्य काल के राज दरबार को कायदे से देखा होगा और उन्हीं चीजों की अभिव्यक्ति किया है। क्लियर है? लेकिन एक मौलिक समस्या है। मौलिक समस्या यह है कि इंडिका इज नॉट फाउंड, इंडिका जो है मिली नहीं है, और इंडिका को कैसे डेवलप किया गया, यह मूल रूप से मिलती ही नहीं है। और आपको बताऊं, इसको जो बाद के लेखक हैं एरियन, एकदम फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एरियन, डियोडोरस, स्ट्रेबो, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, हम कह रहे हैं अगर आपको फैक्ट नहीं भी पता है तो भी आप ये कह सकते हैं कि इंडिका का जो उद्धरण है वो बाद के यूनानी लेखकों के द्वारा दिया गया। लेकिन अगर प्रीति आप पढ़ ही रहे हैं, प्रीलिम्स में एक दो पार्ट रहेगा ही रहेगा, तो आप एक याद आए तो आप कह सकते हैं एरियन, डियोडोरस, स्ट्रेबो, जो भी याद आ जाए, जैसे यूनानी इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। और इन उद्धरणों का संकलन, जो उद्धरण हुए, इन उद्धरणों का जो संकलन है वो मैक्रेंडल ने किया। मैक्रेंडल यानी क्रेडिट गोस्ट टू द मैक्रेंडल टू एडिट ऑल द रेफरेंसेस फ्रॉम द वेरियस बुक एंड टू प्रेजेंट इंडिका इन सच ए वे। यानी मैक्रेंडल ने जो इंडिका, जैसे आप समझो, जैसे एरियन की किताब है एनाबेसिस ऑफ एलेक्जेंडर, एनाबेसिस ऑफ एलेक्जेंडर को पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ एरियन ने कहीं कोटेशन किया है कि एज मेगास्थनीज हैज कोटेड लाइक दिस। तो मैक्रेंडल साहब ने क्या किया कि उस कोटेशन को उठा लिया और उसको सेट कर दिया कि पॉलिटिकल का है कि इकोनॉमी का है कि सोशल का है, और उसके आधार पर एक बुक की एडिटिंग की। राइट? यानी मैक्रेंडल ने रेफरेंस को कलेक्ट किया था। मीनिंग देयर बाई, जो सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग्स होगी इस पुस्तक की वो ये होगी कि ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगी। ये आपको क्या मिलेगी कि क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं मिलेगी, रैंडमली मिलेगी, कहीं का ये, कहीं का ये, कहीं का ये, क्योंकि पुस्तक में लोग रेफरेंसेस कितने देते हैं, कम ही देते हैं। राइट? लेकिन फिर भी ये काम किया गया। अब इतनी कहानी को इतना लंबा थोड़ी लिखना है, एक लाइन के अंदर लिख देना है कि शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत ऐसे ही करनी है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो कि समकालीन मौर्य साम्राज्य के विवरण के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कि मौर्यकालीन अध्ययन के लिए एक प्रमाणिक स्रोत है। राइट? यह मूल रूप से प्राप्त नहीं है बल्कि परिवर्ती यूनानी लेखकों के उद्धरणों में इसका उल्लेख मिलता है जिसे मैक्रेंडल ने संकलित किया। दैट्स ऑल राइट। राइट? अब हमारा फिर वही, हमको क्या मतलब है इन सारी चीजों से? हमको तो मेन मतलब है कि हाउ दिस बुक, यानी अप टू विच लिमिट दिस बुक इज यूजफुल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए यह बुक कितनी आवश्यक है, कितनी उपयोगी है, यह महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो
किस लेवल पे या कहाँ तक उपयोगी है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको बताता हूँ, इसको भी वही डायमेंशन हम लोग मान लेते हैं कि किस तरह से इसने इकोनॉमी लेवल पे बात किया और किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा किया। तो वास्तव में इकोनॉमी की तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी समझ कैसे डेवलप होगी जब तक कि हम इसको इस हिसाब से कैटेगराइज नहीं करेंगे। हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे जब तक हम अलग अलग सेगमेंट में नहीं करेंगे। यानी अगर हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल को अलग अलग कर दें, तो ध्यान दो, जब आपको ये कहने की बात आ जाएगी कि कंपेयर द एविडेंस ऑफ द मेगास्थनीज एंड कौटिल्य, कौटिल्य और मेगास्थनीज की तुलना आ जाएगी, तो आप एक देखेंगे कि दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, उसी को उठा के लिख देने की जरूरत है। श्योर, लेकिन आपको एक बात बता दूं एक्स्ट्रा इसमें, कि अगर आप देखोगे तो लिख सकते हो कि मेगास्थनीज की, चूंकि मेगास्थनीज राजदूत था, इसलिए राजनीतिक राज दरबार के निकट था, और जब राज दरबार के निकट होगा तो राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विशेष चर्चा करेगा। आप कह सकते हैं कि स्पेशली इसने पाटलिपुत्र का नाम लिया है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप कह सकते हैं, नगर प्रशासन, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैन्य प्रशासन है, इसके लिए तो इसने स्पेशली, दिस बुक इज स्पेशली फोकस्ड या स्पेशली नोन फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो नई बात आपको मिलेगी, राइट। इसके अलावा हम डिवीजन वही करेंगे, तरीका वही करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र की बात करें हम, इकोनॉमिक सेक्टर के क्षेत्र में, तो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर पहली बात तो यही वो कहता है कि राज्य का संसाधनों पर नियंत्रण था। और आप देखोगे ना कि दिस स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो डिलीवर्ड बाई द कौटिल्यन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसकी चर्चा आपको मिलेगा। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि सर नया नहीं है। साथ ही साथ जो इसने कृषि और जो उर्वरकता है उसकी बात करता है कि कौन कौन सी फसलें होती थीं, प्रोडक्टिविटी की भी चर्चा करता है, लेकिन ये बहुत ही हल्की फुल्की रेफरेंस वाइज चर्चा है, दो आपके संदर्भ में इसने किया है ना। कुछ कारीगरों की चर्चा किया है, शिल्पियों की चर्चा किया है। तो इकोनॉमिक सेक्टर में आप देखोगे तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो बहुत ज़्यादा जो है, क्या कहते हैं कि यूज़फुल नहीं है। ये भी आप कह सकते हो कि सर हो सकता है कि उन स्थानों पे इसका उल्लेख हो जो सेक्शन हमको नहीं मिला है, लेकिन जाहिर सी बात है हम मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे, जो मिला हुआ है ना। तो ये हो गया इकोनॉमी के क्षेत्र में। आइए पॉलिटी के क्षेत्र की बात में, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करता है राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। अगर हम राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले बात तो केंद्रीकरण की बात करता है। और कुछ इंटरेस्टिंग सूचनाएं भी देता है ये, है ना। और बोलता है, अब इस कोरिलेशन को जोड़िएगा, कहता है कि राजा का बड़ी इंटरेस्टिंग सूचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण। वो कहता था कि राजा का जब शरीर
आबनूस के मुदगरों से भी दबाया जाता था, यानी आप फिजिकल थेरेपी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, तो आदमी का प्राइवेट पार्ट हुआ कि किस तरह से अपने आप को फिट कर रहा है। उस समय भी अगर राजा के राज्य के हित से संबंधित कोई भी मामला है तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य सुना करता था। कोरिलेट दिस स्टेटमेंट विद द कौटिल्याज स्टेटमेंट, जब कहाँ कौटिल्य कहता है कि अगर राजा के दर्शन प्रजा के लिए दुर्भर हो जाए, यानी राजा हर समय उपस्थित रहता था, किससे, किसके लिए, जनता के कल्याण के लिए। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं कुछ अच्छी बातें, ये और नई नई बातें बताता है। जैसे कहता है कि जब राज्य राजा जब राजा जब राजा सड़कों पर जाता था तो उसका राज्य जो है वो रस्सी से घेर दिया जाता था, और अगर कोई व्यक्ति उसको क्रॉस करता था तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देता है, कहता है कि ये प्राण भय से आतंकित रहता था और एक कमरे में एक रात से ज्यादा नहीं सोता था, एक रात से ज्यादा नहीं सोता था। आपको बताऊं जब आर्ट का सेगमेंट देखेंगे तो जो मौर्यन आर्किटेक्ट है उसमें मौर्य के राज प्रसाद में 300 कमरे होते थे, और ये भी सिक्योरिटी का पॉइंट था, महिला अंगरक्षिकाएं रखा जाना। अन्य यूनानियों ने भी इसकी चर्चा किया है, मेगस्थनीज भी चर्चा किया है ना। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं न्याय व्यवस्था, दंड न्याय व्यवस्था बोलता है, कठोर न्याय व्यवस्था, न्यायिक जो व्यवस्था थी वो कठोर थी। अगर आपने राष्ट्रद्रोह किया तो क्या किया कि हाथी के नीचे दबवा दिया गया, अगर आपने कारीगरों को परेशान किया तो आपका हाथ काट लिया जाता था। तो निश्चित रूप से कठोर दंड व्यवस्था थी, और इसीलिए वो कहता था कि अपराध नहीं होते थे, श्योर है। तो ये सारे कंडीशंस थे जो पॉलिटिकल के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने बताया। और इसी पॉलिटी में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को भी जोड़ते हैं, प्रशासन को भी जोड़ते हैं। तो हमने अभी अभी आपसे चर्चा किया कि वास्तव में मेगस्थनीज की जो इंडिका है वो जानी जाती है किसके लिए, सैन्य प्रशासन के लिए, और बिट बाय बिट साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं सैन्य प्रशासन एज वेल एज द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन एक ही जैसा था। हम लोग बताएं इन दोनों नगर जो प्रशासन है, स्पेशली पोलिबोथ्रा यानी पाटलिपुत्र के संदर्भ में इसने बताया, और बताया कि किस तरह से 5 सदस्य गुणे 6 समिति। सिमिलर आप यहां भी देखोगे 5 सदस्य गुणे 6 समिति। इसके द्वारा होता था, यानी 30 सदस्यों का एक ग्रुप के द्वारा होता था आप ये कह सकते हैं। तो जो नगर प्रशासन था, मान लीजिए नगर प्रशासन पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं बी अलर्ट। अलर्ट क्यों कह रहा हूं कि बेटा यहां पर भी यू हैव टू फाइंड आउट। ये इत्तेफाक है कि मौर्यन एम्पायर में ही 2 बार ऐसा आ गया जिसको आपको क्रम रटना है, इसके बाद कहीं नहीं आएगा, फिर अलबरूनी में आएगा, है ना। तो अब आप जरा सोचो कि कहां पे फैक्ट को ध्यान में रखने की जरूरत है। हर फैक्ट थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, जहां जरूरी है यहां करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप यहां पे क्रम बदल दिए तो बहुत गड़बड़ होगा। फिलहाल आइए देखते हैं पहला जो था नगर का सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हो, दूसरा विदेशियों का सत्कार, विदेशियों का सत्कार, वेरी गुड कमेटी इंडीड।
कि उनकी परंपराओं को जान करके उनका वेलकम करने, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी जो समिति थी वो जनगणना पर आधारित थी, सेंसस। आपको बता दूं अगर किसी विदेशी की मृत्यु हो जाए तो दूसरी समिति ही ख्याल करती थी, क्योंकि उस समय तो आप जानते हो कि ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसे बाहर भेजा जा सके। तो उनकी जो अंतिम इच्छाएं हैं, जो अंतिम समय में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था थी उस समय। राइट, जनगणना फर्स्ट सेंसस आप कह सकते हो कि थी। और आपको बता दूं कि यह जो सेंसस था आधुनिक सेंसस के अलग था। आधुनिक सेंसस तो पॉलिसी बनाने के लिए किया जाता था, और ये जो जनगणना थी वो स्पेशली कर के आकलन या अनुमान के लिए थी, फॉर द टैक्सेशन थी। तभी पता चलेगा कि कहां से कितना टैक्स मिल सकता है। चौथी व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत आवश्यक था, है ना। व्यापार जो सेल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, सॉरी सीटीओज होते हैं, उस तरह की कल्पना आप कर सकते हो, व्यापार एवं वाणिज्य अधिकारी। दूसरी सप्लाई अफसर, मिलावट चेक करते थे। तो अब आधुनिक देखो तो ये सीटीओ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिलावट वाला हो जाएगा, और दूसरा कर संबंधी, ये सप्लाई इंस्पेक्टर का जो काम हो गया, और ये हो गया कर संबंधी यानी इनकम टैक्स ना जी। और ये भी कह दिया गया कर चोरी पर मामले के अनुरूप आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। वही, क्योंकि आप जानते हो कि अर्थशास्त्र को पढ़ो और इसको पढ़ो तो आप समझ सकते हो भाई क्यों, इसलिए क्योंकि राज्य के का इकोनॉमिक रूप से समृद्ध होना बहुत आवश्यक था, इसलिए ये था। छह समितियां हो गई, लेकिन ऑफ कोर्स देखो तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना पुराना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, श्योर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सैन्य प्रशासन सिमिलर वे पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। पहला जो था वो जल संबंधी मामले देखती थी। नौसेना तो आप नहीं कह सकते हो, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं कोई अभियान है, पोखरा है, नदी है, तालाब है, तार करना है, नावों की व्यवस्था करना है, वो सब काम जल संबंधी पहला ये कहता था। दूसरा जो था वो रसद था, रसद। आप जानते हो कि भाई सैनिकों के लिए पेट भूखा तो रहेगा नहीं, तो कैसे रसद का प्रबंधन होगा, खान पान का संबंधन होगा, है ना, उनके जो हथियार हैं उनका कैसे होगा, लॉजिस्टिक उनकी कैसी होगी, तो वो सब रसद और उसी के अंदर आ जाता था। तो ये दूसरी समिति देखा करती थी। तीसरी जो थी पैदल, आपको बता दूं पैदल सेना सबसे ज्यादा थी। तीसरी सबसे ज्यादा अगर आप संख्या देखेंगे तो पैदल थी, पैदल सेना का, और मौर्यन साम्राज्य तक ही ये रहेगा, उसके बाद अश्वारोहियों की भूमिका बढ़ जाएगी। फिलहाल चौथी जो था वो अश्वारोही था, अश्वारोही सेना। पांचवा हस्ती सेना, और छठा जो था वो रथ था, रथ सेना। और आप देखोगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को स्पेशली, तो इन सेनाओं के लिए आप अलग अलग अध्यक्ष आपको दिखाई देगा, जैसे अश्वाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, है ना, तो अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी इनके भी जो विभाग था उसका वो रहता था, और फिर उसका सबसे ज्यादा सेनापति हो जाता था, क्लियर है। और सेनापति के बाद राजा, ये मिलिट्री एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था। तो निश्चित रूप से एक नई बात मिली कि किस तरह से सिस्टम चलता था, और मेगास्थनीस के इंडिका को लिखना है तो ये पॉइंट जरूर होना चाहिए, श्योर। आइए अब हम बात करते हैं, अब देखो इकोनॉमी में 20 शब्द 25 शब्द हुआ, तो कम से कम राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन से ही आप 100-125 शब्द लिख सकते हैं। इसको नहीं कहा जाएगा डीसेप होना, क्यों, क्योंकि मेगास्थनीज ने ज्यादा इकोनॉमी पर प्रकाश डाला ही नहीं है, श्योर है। तो बैलेंस बनाना है, अगर इकोनॉमी पर प्रकाश डालता और हम ना लिखते तो हमारी गलती रहती, क्लियर है।
अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके सामाजिक और मेगास्थनीज के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर, सोशियो कल्चरल स्टेटस पे बात करेंगे। और याद रखिएगा, जितने भी विदेशी हुए हैं, केवल मेगास्थनीज नहीं, जितने भी विदेशी हुए हैं, उन सारी विदेशियों की अगर आप चर्चा करेंगे तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर दो नज़रियों से गड़बड़ी करते हैं। पहला नज़रिया ये है कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द बेसिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, राइट। वो भारतीय समाज की बारीकियों को समझ ही नहीं सके। और आप जानते हो, द इंडियन सोसाइटी इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड। आज भी देखो, किसी सिद्धांत पर हम लोग अंतिम रूप से फाइनल नहीं हो पाते हैं। अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये देख सकते हैं। एंड सेकेंडली, व्हेन दे राइट अबाउट द इंडियन सोसाइटी, दे कंपेयर विद देयर ओन सोसाइटी। एंड डेफिनेटली कंपैरिजन जो भी होता है वो अपने प्रो में होता था, अपने फेवर में होता था। इट वॉज ए जनरल, आप भी लिखोगे तो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात लिखोगे, कितने भी निष्क्रिय हो, कितने भी आप निष्पक्ष होने का प्रयास करोगे, लेकिन कहीं अगर मौका मिलेगा तो आप बोल देंगे कि इंडियन सोसाइटी जो है वो ज़्यादा बेटर वे में है। तो इस रूप में आपको दिखाई दे सकती है। फिलहाल मेगास्थनीज के साथ भी ये समस्या थी और कुछ कंट्रोवर्सीज बातें वो करता है। जैसे आपको बताऊं, एक बार फिर कहूंगा कि यहाँ पे क्रम ध्यान रखिएगा। पहली बात तो वो कहता है कि जो भारतीय समाज था, इंडियन सोसाइटी थी, वो समाज 7 वर्गों में बटा था। जाहिर सी बात है, इस तरह का विभाजन कहीं भी नहीं है। जैसे दार्शनिक है, इसको आप नहीं भी क्रम लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन क्रम लिख देंगे तो अच्छी बात है। दार्शनिक है, कृषक हैं, ग्वाले हैं, ग्वाले हैं, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कारीगर हैं, सैनिक हैं, कारीगर, सैनिक हैं, है ना, निरीक्षक और सभासद, निरीक्षक इंस्पेक्टर्स, निरीक्षक और सभासद हैं। सातवां सभासद। कुछ के बारे में जानने की जरूरत है। जैसे दार्शनिक को यह कहता है कि संख्या में कम है लेकिन आदरणीय है, अनुकरणीय है, चिंतक हैं, फिलोसफर्स हैं। और वैसे भी फिलोसफर्स की संख्या सबसे कम होती है। फिलोसफर्स आर रियली द चीफ मेंटर्स ऑफ द सोसाइटी। चीफ मेंटर होते हैं वो, जो बातें कहते हैं सोसाइटी उन्हें एडॉप्ट करती है। दैट्स वाई दे आर रेनाउंड एंड फॉलोड बाई द सोसाइटी, तभी तो जाने जाते हैं, श्योर है। कृषक को कहता है मैक्सिमम है, दे वेयर मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा हैं, ये भी गलत नहीं है। आज के डेट में भी देखोगे अराउंड 50% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट टू द एग्रीकल्चर, आज भी 50% लोग ज्यादा हैं। ग्वाले, जाहिर सी बात है, पशुपालक की बात है, ग्वाले की बात है, एक सोसाइटी के प्रॉम्प्ट पार्ट रहे हैं। कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, सब के बारे में ऐसे ही छोटी थोड़ी बातें बताता है। कार्य आप उनके उससे ही जान रहे हैं, सैनिक होगा तो सेना का ही काम करेगा, निरीक्षक इंस्पेक्टर्स मार्गों के सन होते थे, और सभासद ये कहता है मंत्री या सभासद, इनकी संख्या कम होती थी, सबसे कम संख्या होती थी। तो जाहिर सी बात है, जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनकी संख्या तो कम होगी, वो प्रभावी होंगे, इफेक्टिव होंगे, और उन पे ये अधिकार होगा या उन पे ये कहा जाएगा कि आप इम्प्लीमेंट करिए इसको। तो डेफिनेट रूप से आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मेगास्थनीज को इन संदर्भों में देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी कहता है जो सही नहीं है, कंट्रोवर्सियल है, आइए बात करते हैं। जैसे पहली बात उसने कहा कि दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने कहा कि दास प्रथा नहीं थी, यह गलत सूचना है, है ना। निश्चित रूप से दास प्रथा थी। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम यूनानी दास व्यवस्था से तुलना करते हैं तो यूनानी दास व्यवस्था ज्यादा कठोर थी,
ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, रोज पिटाई होती थी दासों की, और जो भारतीय सिस्टम में जो दास व्यवस्था थे वो एक परिवार के अंग बन चुके थे, तो संभव है कि भारतीय दास व्यवस्था को वो समझ ना पाया हो, है ना। तो यहाँ पे एक चीजें हो सकती हैं। फिलहाल उसी तरह से जैसे वो कहता है कि लेखन कला से अनभिज्ञ थे, ये भी एकदम गलत है। मेगास्थनीज कहता है कि लेखन कला से अनभिज्ञ थे, ये भी गलत है। आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखा, आपने समकालीन ताम्रलेख को देखा, तो जो तांबे पे लिख लेगा क्या उस पर नहीं लिख पाएगा? अशोक के अभिलेखों को लिख दिया तो कहीं ना कहीं ये सारी त्रुटियां आपको दिखाई देती हैं। तीसरी बात अगर आप बात करेंगे तो नैतिकता की बात करता है, उच्च नैतिक आचरण था, ये तो चलो माना जा सकता है, ये तो अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव वे में कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसने अच्छा कहा तो हमने मान लिया और बुरा कहा तो नहीं माना, भाई दास प्रथा तो बुरी ही है ना, फिर भी हमने माना कि दास प्रथा थी क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी सूचना मिलती है। नैतिक आचरण का हमारा यहाँ स्पेशली संदर्भ ये था कि सीधे उसने कहा कि भारतीयों में भ्रष्टाचार नहीं था, नो करप्शन इन द इंडियंस, भारतीयों में भ्रष्टाचार नहीं था। और उसने एक उदाहरण भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया कि भ्रष्टाचार नहीं था, करप्शन नहीं था, इसका उदाहरण दिया, कहा कि पूरे सेना का जब उसने मिलिट्री का ऑब्जर्वेशन किया तो 6 लाख की सेना में मात्र 200 पण का हिसाब नहीं मिला था। जाहिर सी बात है 6 लाख का, 6 लाख की अगर सेना है तो उसका बजट जो है वो क्या होगा, काफी ज्यादा रहा होगा। और ऐसी स्थिति में अगर नहीं मिलता है तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जो थे वो नैतिक रूप से अच्छे थे, क्लियर है। तो ये रहा आपका मेगास्थनीज के संदर्भ में कि आप इसको रख सके, अगर आपसे पूछे तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख के लिखना है। आगे सवाल कैसे पूछे जाएंगे उस भी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन अगर मेगास्थनीज की मौर्य साम्राज्य के पुनर्निर्माण में भूमिका की अगर बात करें तो निश्चित रूप से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये जो पहलू इसने बताए उन्हीं पहलुओं के आधार पर कर सकते हैं। एक और पॉइंट है आपको बताऊं, जैसे एक पॉइंट और भी आप कह सकते हैं, इसने जैन धर्म की भी चर्चा किया है, एक आध पॉइंट छूट गया इसको इंक्लूड करिए, जैन धर्म की चर्चा किया है, या विवाह प्रणाली में आर्ष विवाह की चर्चा किया है, आर्ष विवाह, ठीक है, आप लिखोगे तो भी हो सकता है मिस हो जाए एक आध चीजें। आर्ष विवाह स्पेशली एक प्रकार का विवाह था जिसमें लड़का वाला लड़की को एक जोड़ी बैल दिया करता था, ये होता था पहले से भी होता था। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि मेगास्थनीज का जो विवरण है वो भी भारत के आर्थिक, राजनीतिक या तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक के रूप में या प्रमाणिक स्रोत के रूप में आप इसे ले सकते हैं, श्योर है, राइट। तो अब हम लोगों ने देखा साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ को पूरी अच्छी तरह से देखा, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इन सारी बातों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका को देखा। अब पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों में स्पेशली जो अशोक के अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों पे तो एक पूरी विस्तृत चर्चा चलेगी कई डायमेंशन से, लेकिन हम लोग अदर जो भी हैं जैसे सिक्के हैं, छल्लेदार कुएं हैं, रिंग वेल्स हैं, इन पे आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, और बाकी जो अशोक के अभिलेख हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो साहित्यिक स्रोत आपने देख लिया, और इसके जो कहीं कहीं बीच में उदाहरण आएंगे राजनीति, प्रशासन और शासन में इक्के दुक्के की चर्चा करेंगे, अदरवाइज स्रोत के रूप में कभी नहीं पूछेगा, कॉन्फिडेंट रहिए, न पूछा गया है न पूछेगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ की बात करते हैं। आइए मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन पर बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और हमेशा इस बात को कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा
जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे कहीं भी, तो पहली शुरुआत ही इस क्वेश्चन इस लाइन से करेंगे कि द आर्कियोलॉजिकल साइंस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मेक हिस्ट्री मोर साइंटिफिक, क्योंकि जो पुरातात्विक रूप से प्राप्त हुए हैं उसमें तो कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, इसलिए हमें ये वैज्ञानिक होते हैं और लिखने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिलहाल आइए जो हमने वो बनाया था उसको ध्यान में रखें, हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रम बदल दे रहे हैं। जैसे सिक्के, रिंगवेल्स, अब चलो हम आप लोग यही बाइलिंगल से यही दिक्कत होता है, रिंगवेल्स और चंद्रगुप्त मौर्य के ताम्रलेख, मौर्य के ताम्रलेख और अशोक के अभिलेख, ये हमने चर्चा किया हुआ था। क्रम को बदला, एक तो रियल क्रम यही होना चाहिए, हमने वहां फ्लुएंसी के हिसाब से लिख दिया जहां आपकी जानकारी के अनुसार से कि अशोक के लेख को ही सभी लोग ध्यान में देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जैसे सिक्के और रिंगवेल्स, एक एक पे चर्चा करना शुरू करते हैं। जैसे सिक्के, किन किन संदर्भों में आप सिक्के को देखेंगे? जाहिर सी बात है आर्थिक पहलू पे ध्यान देंगे ये, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे ये होते थे, क्या कहते हैं कि इशू होते थे, सरकार के नियंत्रण में तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे लक्षणाध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा पद्धति का, संपूर्ण मुद्रा पद्धति का अध्यक्ष होता था, इसी के निरीक्षण में होता था जो भी टकसाले हुआ करती थी। एक अधिकारी आपको मिलेगा रूप दर्शक, ये परीक्षण करता था कि सही है कि गलत है, मिलावट हुई तो आप जानते हो न्याय व्यवस्था कितनी कठिन थी। और दूसरी चीज जैसे जो भी आपको मिलेंगे, जैसे कारशार्पण छोटे मूल्य के सिक्के हैं, धारण चांदी के सिक्के हैं, चांदी और इसी के सिक्के चलते हैं, और जाहिर सी बात है ये बताते हैं कि ये मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, मॉनिटराइज्ड इकोनॉमी है। जाहिर सी बात है अभी विकसित नहीं है, मौर्यों के काल में इकोनॉमी या मॉनिटराइज्ड इकोनॉमी बहुत विकसित नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कोई एक एम्पायर में मॉनिटराइजेशन का प्रयास किया गया। जब मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था नहीं होती तो बार्टर सिस्टम पे होता है, क्रय विनिमय के आधार पर होता है। वैदिक युग तक वो सिस्टम था, महाजनपद से धीरे धीरे मौद्रीकरण हुआ। महाजनपद युग में मौद्रीकरण, जो भी सिक्के ढाले जाते थे वो व्यापारिक संगठन डालते थे। परिवर्तन क्या हुआ, मौर्य काल में अब वो सिक्के राज ढालने लगा। अंतर देखा आपने, हमने क्या बताया कि वैदिक युग तक मौद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, महाजनपद काल से यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से आपके सिक्के शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो सिक्के पंचमार्क सिक्के जो आहत सिक्के हैं वो व्यापारिक संगठनों के द्वारा चलाए जाएंगे, जबकि जो मौर्य काल के सिक्के थे, मौर्यकालीन जो सिक्के हैं वो चलाए गए, किससे, वो राज्य के द्वारा चलाए गए, टकसालों के द्वारा चलाए गए, राज्य के नियंत्रित टकसालों से हुए। अंतर दिखाई दिया, डेफिनेटली ये पीक पे आएगा कुषाणों के काल में। हमने आपको बताया कि यू हैव टू फाइंड आउट द चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटी, ये चेंज है जो हमने आपको रेखांकित किया। जब हम लोग विस्तृत क्लास में चर्चा करेंगे तो स्टोन इससे कोरिलेट कर देंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। श्योर है, इतने पहलू सिक्के पे आपने चर्चा कर दिया, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसी समय हमने एक बात कही रिंगवेल्स का,
एक नई चीज आपको दिखाई रही है, रिंग वेल्स, छल्लेदार कुएं। तो निश्चित रूप से कुएं का जो ऐसे गोल गोल छेला बनाते हुए अंदर कच्चे और अध कच्चे आप ये कह सकते हैं जो कुएं हैं, इनकी आपको बहुतायत दिखाई देगी। और जिसको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉलेज होगा, आप जानते हो ना ज्योग्राफी के लोग या ज्योग्राफी जीएस में अच्छा जानने वाले लोग अगर वो हिस्ट्री पढ़ें तो उनकी मारक क्षमता और अच्छी हो जाती है। वही बिकॉज की ज्योग्राफी, हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली, सीधी सी बात। अब जैसे पूर्वांचल के लोग जो भी हैं, जैसे यूपी, पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, वहां पे देखोगे ना वाटर लेवल बहुत नीचे है, 40 फीट पे कौ पानी हो जाए। अब तो संस्कृति अपदूषित हो गई है, वहां पे भी लोग बड़े बड़े मोटर और ये सारे फिट कर लिए हैं, तो लेवल भले डाउन चला गया है, लेकिन वेस्ट और अन्य की तुलना में देखोगे, एक जमाना था जब हम लोग बहुत छोटे थे तो 20 फीट 25 फीट पे पानी हो जाता था, 40 फीट पे पानी मिल जाता था, अब वो 100 के आसपास मिल रहा है। तो कम गहराई पे कुएं मिलेंगे, और उस जमाने में तो कहो 20-25 फीट पे आराम से कुएं मिल जाएं और खुदा दिया जाता था। तो ये पानी पीने के लिए जो आते थे वो होते ही होते थे, इसका प्रयोग किया गया एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कृषि के विकास में सहायक रहा। अब कहेंगे सर उसमें तो पंपिंग सेट था। नहीं भाई, पंपिंग सेट नहीं था, क्या रहा होगा, अरघट्ट। अरघट्ट क्या था, बहुत आप लोग तो देखे ही नहीं होगे, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि नहीं देखे होगे, लेकिन हो सकता है कि कोई देखा भी हो। अंदर उसमें पीछे बांध दिया जाता था और बल्टियों से निकाला जाता था कुएं में, और वो यूज होते थे। ये छोटे फैक्टर थे बट डिसाइडिंग थे, क्लियर है। तो ये रिंगवेल की बात हो गई। और अब तीसरे स्तर पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो छोटा सा पार्ट है वो है चंद्रगुप्त के मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के जो ताम्रलेख हैं, सोहगौरा और महास्थान के, सोहगौरा ऑब्लिक दो है, ऑब्लिक क्या करना, महास्थान, दोनों का कंटेंट एक है। सोहगौरा महास्थान, ये आपका गोरखपुर जिला यूपी में है और ये बांग्लादेश में है। दोनों में एक ही बात कही गई है, और वो बात ये है, समझिए, इन दोनों में बातें ये कही गई हैं, अन्न कोष्ठागारों की स्थापना, बता रहा हूं ना समझ में आइए, अन्न कोष्ठागारों की बहुत अच्छी चीज है, अन्न कोष्ठागारों की स्थापना। अरे भाई ना समझ में आए तो FCI का कोल्ड स्टोरेज समझो, तो कोल्ड स्टोरेज तो नहीं है लेकिन स्टोरेज समझो, भंडार गृह समझो, काफी अंदर भी है। सोहगौरा अगर देखोगे गोरखपुर मुख्यालय से कम 25-30 किलोमीटर अंदर होगा, यानी ये कोई बहुत प्रॉम्प्ट फेस नहीं था कि मेन राजधानी में ऐसी कोई व्यवस्था थी। क्यों था, क्यों अन्न कोष्ठागारों की बात कही गई, अन्न भंडार गृहों की, कोष्ठागार वर्ड है जिसका मतलब हुआ भंडारण करना। आप कल्पना कर सकते हो, ये तो नहीं लिखा है कि अकाल के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर में कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि प्रतिकूल स्थिति हो और उसमें राज्य के सहयोग और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आवश्यकता हो, तो आप ये कह सकते हैं कि द स्टेट वॉज सो सिंसियर एंड सेंसिबल टूवर्ड्स इज पीपुल, टूवर्ड्स इट्स सिटीजन टू डू द सिस्टम या लाइक दिस।
इस तरह की व्यवस्था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत लार्ज स्केल पे रहा होगा, लेकिन कम से कम इनिशियल स्टेज पे ही कहें तो आप ये कह सकते हैं कि इन कोष्ठागारों की स्थापना जो हुई वो इसलिए हुई होगी कि अकाल में विपरीत परिस्थितियों में हम जनता के बीच अन्नों का वितरण कर सकें। श्योर, राइट? तो अब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इनको जहां जरूरत होगी तहां हम लोग यूज करेंगे। और बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और कल की क्लास में हम लोग अशोक के लेखों की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझिएगा, देखिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। और फिर कल की जो क्लास होगी, आने हमने बोला ना था कि मौर्य साम्राज्य में इशू करके हम आपको 3 से 4 लेक्चर्स देंगे, और आप समझ सकते हैं कि हमारे जो क्लास का जो लेवल है या जो प्रोग्राम है वो कैसे होगा, कितना यूजफुल होगा, है ना? अभी आपने आज के भी डेट में अगर आपने पढ़ा और जीएस में आप नहीं जानते हो तो भी कल्चर के पार्ट का 2 पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया। जैसे कल्चर में साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आती है, तो मौर्य काल में समकालीन साहित्य में कौटिल्य और जो मेगस्थनीज है वो आपसे जीएस के कल्चर में भी पूछ सकता है। अब जरा सोचिए कि इतने विश्लेषण के बाद, इतनी एनालिसिस के बाद, अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे या मेगस्थनीज के इंडिका पे कोई सवाल आएगा तो क्या आप जीएस में नहीं लिख लोगे? जरूर लिख लोगे, इसी बात को मैं कह रहा था, राइट? तो आज की क्लास को हम लोग विश्राम देते हैं, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।